ठीक है, बिल्कुल बधाई हो भाई। ये चौकी इंचार्ज शामली स्टैंड आज चेकिंग कर रहे थे दिन में, जो काली नहर का पुल है वहां पर जब एक मोटरसाइकिल पे दो सवार आते हुए नजर आए, जिन्होंने एक ने अपना मुंह बांध रखा था जो संदिग्ध प्रतीत हुआ, इनके द्वारा रोका गया। रुके नहीं, वो भाग लिए। जब भागे तो इनके द्वारा आरटी सेक्ट पे सूचना प्रसारित की गई, जो आसपास के थाने और पुलिस चौकी हैं सभी को सचेत किया गया, क्योंकि ये पीछा कर रहे थे। सामने से हमारे वहला चौकी इंचार्ज भी आ रहे थे, पुलिस को देख के ये लोग इस छोटी पगडंडी वाले रास्ते पर भागे, और जब इन्हें रुकने के लिए कहा गया यहाँ पे, तो इनके द्वारा पुलिस पार्टी पे फायरिंग की गई, जिसमें एक्सचेंज ऑफ फायर में और जो पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई उसमें एक बदमाश की गोली लगी है, दूसरा बदमाश गिरफ्तार किया गया है जिसने गोली लगी है। जब उससे पूछताछ की गई तो उसका नाम फरमान है, जो मूल रूप से पगरा का रहने वाला है, और जिसपे 75,000 रूपये का इनाम है, जिसमें 50,000 रूपये का इनाम हरियाणा पुलिस द्वारा उस पर घोषित किया गया है, वहां एक हत्या के मामले में है। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले हरियाणा और पंजाब की पुलिस यहां आई थी, वहां करोड़ों रुपए की भैंस इनके द्वारा लूटी गई थी, उसमें भी ये लोग थे। यहां पे कोतवाली क्षेत्र में भी इसके द्वारा हत्या की गई थी। कुल मिलाकर करीब 2 दर्जन मुकदमों का इतिहास इसके ऊपर पाया गया है, अभी और ढूंढा जा रहा है। हो सकता और भी इसके ऊपर बहुत ही कुख्यात किस्म का बदमाश था। ये एक बड़ी सफलता कोतवाली पुलिस को मिली है। इस पुलिसकर्मी हमारे पुलिसकर्मी के भी चोट आई है। धन्यवाद।